इंडेक्स नंबर की जो बाकी दो कैटेगरीज थी। अच्छा ऑन ही नहीं है। सिंपल और वेटेड, उसमें हेडिंग डालिए सिंपल इंडेक्स नंबर्स। बात कर रहे हैं कॉम्पोजिट इंडेक्स नंबर्स की, और कॉम्पोजिट वाले मेथड्स में यू हैव टू कैटेगरीज, सिंपल या अनवेटेड, और दूसरी है आपकी वेटेड। पहले बात करते हैं सिंपल कैटेगरी की, सिंपल इंडेक्स नंबर्स। इसमें फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट मेथड है आपका सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। दोनों में डिफरेंस ये है, सिंपल और वेटेड या अनवेटेड और वेटेड में, कि जो आपको सिंपल कैटेगरी के क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें आपको ये मेथड्स लगाने हैं, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइजेस की बात की गई होगी प्रोडक्ट्स के, यानी वहाँ जो क्वांटिटी है दैट वुड बी सेम पर यूनिट, पर केजी, पर लीटर, मतलब 111 होगी, तो इसलिए फिर उसको लिखते नहीं हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि क्वांटिटी जो है वो क्या लेके चल रहे हैं, यानी जो भी उसमें प्रोडक्ट्स हैं वो पर यूनिट, पर लीटर, पर केजी, जो भी है वो पर के हिसाब से है, यानी अगर हम क्वांटिटीज लिखें भी तो उस कॉलम में सब 111 आएगा, विच इज़ इररिस्पेक्टिव, क्योंकि जब हम पी और क्यू के मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू पी की ही आ जाएगी। तो इस वजह से आपने क्या करना है, यहाँ पे जब आप फॉर्मूला देखोगे तो सब पी के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि क्वांटिटीज़ क्या है, सबकी सेम है, वन के हिसाब से है। जबकि वेटेड में आप देखोगे कि जो प्राइजेस दे रखे होंगे प्रोडक्ट्स के, वो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़ के लिए होंगे। वेटेड कैटेगरी को कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की कैटेगरी भी कहा जाता है, क्योंकि अगर हमें ये पता करना है कि हम अपने लिविंग पर क्या कॉस्ट पे कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम पर यूनिट के हिसाब से तो नहीं निकालेंगे। हम बात करेंगे हमारे घर में, अगर हम फूड की बात करें तो जो फूड आता है वो डिफरेंट डिफरेंट उनकी यूनिट्स होती हैं, कोई 5 किलो, कोई चीज़ 5 kg आ रही है, कोई चीज़ 10 liters आ रही है, समझ रहे हो? तो वो कैटेगरी आपकी किस में आ जाती है फिर, वेटेड में, जहाँ पे आप डिफरेंट यूनिट्स के लिए कंपेयर करते हैं प्राइजेस को। लेकिन सिंपल कैटेगरी में आप तब लगाते हो जब आप जो प्रोडक्ट्स ले रहे हो उनकी यूनिट क्या है, सबकी वन है, पर यूनिट के हिसाब से बात हो रही है, ठीक है? सो दिस इज़ द डिफरेंस। तो अगर क्वेश्चन में ऊपर मेंशन भी नहीं है कि सिंपल वाली कैटेगरी का क्वेश्चन है या वेटेड का है, तो यू कैन गेस इट। अगर सिर्फ प्राइजेस दे रखे हैं तो वो यानी आपसे सिंपल एग्रीगेटिव या सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव लगवा रहे होंगे। अगर क्वांटिटीज डिफरेंट डिफरेंट गिवन है तो यानी वो वेटेड वाली बात कर रहे होंगे, ठीक है? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का जो फॉर्मूला होता है, और एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ जो हम इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं ना, वो प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं, यानी जो फॉर्मूलेज लिख रहे हैं उनमें जो मेन फैक्टर है वो प्राइस है, क्वांटिटी को सेकेंडरी माना गया है। मतलब जो मेन दो फैक्टर्स होंगे यहाँ पे, प्राइस एंड क्वांटिटी। तो दो तरीके के इंडेक्स नंबर होते हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। फिलहाल जो हम फॉर्मूले लिख रहे हैं वो हम प्राइस इंडेक्स के लिख रहे हैं, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में क्या करते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। यानी यहाँ पे जो मेन फैक्टर है वो प्राइस लिया गया है, क्वांटिटीज इररिस्पेक्टिव है। तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में हम प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं, फॉर्मूला होगा इसका समीशन P1 अपौन समीशन P0 इंटू 100। दिस इज क्वाइट सिंपल। आपको दो ईयर्स के प्राइजेस दे रखे होंगे प्रोडक्ट्स के, एक करंट ईयर के और एक बेस ईयर के। आपको सिंपली उन दोनों कॉलम्स का टोटल करना है, करंट ईयर के प्राइजेस का सम डिवाइडेड बाय बेस ईयर के प्राइजेस का सम इनटू 100। दैट्स इट। ये सिंपल एग्रीगेटिव मेथड हो गया, ठीक है? दूसरा मैंने आपको बताया था सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। लिखिए सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, PR मेथड। इसका फॉर्मूला लिखे समीशन PR अपॉन N। हम यहाँ पे क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, एवरेज। एवरेज मतलब मीन। मैंने आपको एवरेज वाले चैप्टर में बताया था कि लेमन लैंग्वेज में एवरेज का मतलब हमेशा मीन होता है।
तो यहाँ मीन निकालना है किसका, पी आर का, प्राइस रिलेटिव्स का। तो जैसे समीशन x अपॉन n होता है मीन का फॉर्मूला, यहाँ पे x की जगह क्या होंगी, पी आर की वैल्यूज होंगी। और ये पी आर कैसे निकालना है, लिखिए पेयर पी आर या प्राइस रिलेटिव यानी इंडेक्स नंबर का, इसका फॉर्मूला होता है पी वन अपॉन पी जीरो इंटू हंड्रेड। क्वेश्चन करते हैं इन दोनों मेथड्स के, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। लिखिए क्वेश्चन, आपको कुछ प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, आइटम्स दे रखे हैं आपको जिन पर आप खर्च करते हैं, वो है व्हीट, राइस, पल्सेस, मिल्क एंड क्लोथिंग। ठीक है, ये पांच चीजें हैं, इनके जो यूनिट्स हैं वो सबकी पर के हिसाब से है, पर क्विंटल, पर केजी, व्हाटएवर, तो वो नहीं लिखनी है। सीधे आपको प्राइजेस लिख दिए हुए हैं, प्राइस दे रखे हैं आपको एक तो 2003 के, और प्राइजेस दे रखे हैं आपको इन्हीं प्रोडक्ट्स के कंपैरेटिव प्राइजेस दे रखे हैं 2004 के। तो सिंपल सी बात है, ये हमारी पी वन की वैल्यूज हो गई और ये पी जीरो की हो गई। ठीक है, ये दे रखी है आपको 200, 300, 400, 2 एंड 3, 250, 400, 500, 3 एंड 5। क्या हुआ, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, बोलो क्या पूछ रहे थे। हाँ, बढ़ गए मतलब, हाँ ना इंसाफी, ऑब्वियसली एक साल में ही इतना राइज हो गया। सो आपको ये तो दिख रहा है कि प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं, लेकिन अगर आपको ओवरऑल एक, जैसे हम एवरेज में क्या करते थे, सब सब्जेक्ट में अलग अलग नंबर्स आए हैं लेकिन हम एक नंबर निकाल के उस सारे नंबर को उनसे रिप्रेजेंट करा देते थे, यही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। हमें दिख रहा है कि महंगाई बढ़ रही है लेकिन उसका रेट क्या है, कितनी तेजी से वो बढ़ी, समझ रहे हो, वो आप वो नंबर निकाल रहे हो कि उस एक नंबर से हमें पता चल जाएगा अच्छा इतने परसेंट से ये चीज़ बढ़ी। हमारे जो हम लोग जिस चीज़ों पर खर्चा कर रहे थे उनमें कलेक्टिवली एक नंबर से उनको बता सकते हो, अलग अलग कहाँ तक याद रखोगे कि ये 100 रुपये बढ़ गया था, ये 150 रुपये बढ़ गया था, नहीं याद रहेगा। लेकिन आपके पास एक नंबर होगा तो आप बता सकते हैं कि 50% बढ़ गई या 120% महंगाई बढ़ गई परसेंट के बेसिस में, तो आपको एकदम समझ में आएगा कि कितनी ज़्यादा बढ़ी है या कितनी कम बढ़ी है। तो अगर यहाँ पे वो आपको देखो सिंपल उसने प्राइजेस दे रखे हैं, तो किस कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया, ये सिंपल कैटेगरी का या अनवेटेड, क्योंकि क्वांटिटीज की कोई बात नहीं हो रही, तो या तो यहाँ सिंपल एग्रीगेटिव लगेगा या सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव, दोनों ही लगा दीजिए। पहले सिंपल एग्रीगेटिव लगा देते हैं, उसके लिए वी नीड टू टोटल द कॉलम्स, इनको टोटल कर लीजिए दोनों कॉलम्स का, नाइन जीरो फाइव इसका आ गया और इसका आ गया। ठीक है, समीशन पी वन 1158 एंड पी जीरो इज 905। साथ में हम क्योंकि इसको दूसरा मेथड से भी निकालेंगे तो पी आर की वैल्यूज भी निकाल लीजिए, यानी प्राइस रिलेटिव की, दैट इज पी वन अपॉन पी जीरो इंटू हंड्रेड। अब वीट के लिए पी वन क्या है 250 और पी जीरो क्या है 200 इंटू हंड्रेड। ठीक है ना, अब राइस के लिए पी वन क्या है 400 और पी जीरो 300, निकाल दो इसका भी परसेंटेज, 400 अपॉन 300 इंटू हंड्रेड। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट पल्सेस के लिए 500 अपॉन 400 इंटू हंड्रेड। थ्री अपॉन टू इंटू हंड्रेड। फाइव अपॉन
3 into 100. इस कॉलम का टोटल कर लीजिए. ठीक है, टोटल कितना आ रहा है? 700. डेसिमल. टोटल करो इनका पूरा पूरा. अब आप दोनों मेथड से इंडेक्स नंबर निकाल दीजिए. समीशन पी वन अपॉन समीशन पी जीरो इंटू 100. 1158 अपॉन 905 इंटू 100. यह आएगा आपका 127.96. और पी आर वाला मेथड लगाएंगे तो समीशन पी आर अपॉन एन. एन मतलब नंबर ऑफ आइटम्स. तो 700 अपॉन 5 आइटम्स है, 5 से इसे डिवाइड कर देंगे 140. ठीक है, अब देखो इसको कैसे पता करते हैं कि कितने क्या हुआ महंगाई का. हमेशा बेस ईयर का जो इंडेक्स नंबर है वो 100 मानते हैं. ठीक है, यानी जो 2003 को हम बेस ईयर मान रहे हैं, तो ये आप इस तरह से बताएंगे कि 20 उस केस में 27.96% महंगाई बढ़ गई, और इस केस में मतलब 100 लेस कर देंगे टू नो द एग्जैक्ट इंक्रीमेंट कितना हुआ. इस केस में 40% दोनों मेथड्स में डिफरेंस आएगा फॉर श्योर. अच्छा, एक क्वेश्चन आपका ऐसा भी है जिसमें ना उन्होंने क्वेश्चन दिया है और बताया नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला लगाओ. तो आप सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाती है वो इसके दी जाती है. अगर इससे आंसर मैच हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा तो वो लगाना. बिकॉज ऐसा भी है कि उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन दिया पी जीरो और पी वन दिया और आपसे कहा इंडेक्स नंबर निकालो, तो उस सिचुएशन में आपको दोनों ही लगा के देखने पड़ेंगे. लेकिन प्रायोरिटी किसको देते हैं? हमेशा पी आर वाले मेथड को. ठीक है, उसके उससे अगर आंसर 1% नहीं आया, वैसे ऐसा होगा नहीं, बट अगर 1% नहीं आ रहा है तो फिर दूसरा लगा लेना. तो जिस तरीके से मैंने करा, इसका टोटल, इसका टोटल और पी आर, तीनों चीज़ें कैलकुलेट कर लो और फटाफट लगा के देख लो. कैलकुलेटर होगा आपके पास, इजीली आप कर लेंगे. कोई डाउट इसमें? दो बात थ्योरेटिकली हमें एक बात समझ में आई कि अनवेटेड कैटेगरीज जो होती हैं उनमें हम क्वांटिटीज जो लेते हैं वो कैसी होती है, हमारी सेम होती है. हो सकता था यहाँ पे जो क्वांटिटीज हैं वो गिवन भी हो पर केजी या कुछ, तो उनको लेकिन आपने लिखना नहीं है कि आप वन वन करके लिख रहे हो. कन्फ्यूज़न के लिए अगर वो दे भी देगी क्वांटिटी 1 लीटर 1 kg पर यूनिट ऐसे है, तो समझ जाना कि ये यानी सिंपल का क्वेश्चन है. ठीक है, और दूसरा इसमें दो फॉर्मूलेज हैं, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा. या तो क्वेश्चन में मेंशन होगा, नहीं होगा तो फिर पहले इसे लगाना और फिर इसे लगाना, दैट्स इट. ठीक है, सेकेंड कैटेगरी पे आते हैं, दैट इज वेटेड कैटेगरी विच इज मोर इम्पॉर्टेंट देन दिस. वेटेड इंडेक्स नंबर, इसमें भी जो हमारा पहला मेथड हमने पढ़ा था वो था वेटेड एग्रीगेटिव मेथड. वेटेड एग्रीगेटिव का इटसेल्फ जो फॉर्मूला है, जो मेन फॉर्मूला है वो है समीशन पी वन डब्ल्यू अपॉन समीशन पी जीरो डब्ल्यू इंटू 100, वेयर डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी जीरो, सॉरी क्यू जीरो. लिखने को मैं ऐसे भी लिख सकती थी कि समीशन पी वन क्यू जीरो अपॉन समीशन पी जीरो क्यू जीरो इंटू 100, बट इसके पीछे रीजन है क्यों ऐसे लिखा है, क्योंकि हो सकता है कि आप देखो ये समझा रहे हैं कि वेटेड एग्रीगेटिव में वेट्स आ जाते हैं. और वेट्स क्या मतलब? क्वांटिटीज से है. यहाँ पे वेट से मतलब इनका क्या है? क्वांटिटीज से. और
वेटेड एग्रीगेटिव मेथड जो मेन मतलब जिसे कहते हैं ना कि बेस जो लेके चलते हैं वो बेस ईयर की क्वांटिटी को लेके चलते हैं. सो मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि अगर उसने आपसे सिर्फ फॉर्मूला पूछा सो मे बी ऑप्शन इस फॉर्म में हो, ठीक है. अगर क्यू जीरो के साथ दे रखा होगा वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं दिया होगा डब्ल्यू लिखा होगा तो आप कन्फ्यूज मत हो जाना, क्योंकि उसको मेंशन वो डब्ल्यू की तरह करते हैं जबकि डब्ल्यू की वैल्यू क्या लेते हैं, जो बेस ईयर की क्वांटिटीज होती हैं. इस कैटेगरी के जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उसमें आपको चार चीज़ें मिलेंगी. आपको दोनों ईयर्स के प्राइजेस मिलेंगे और दोनों ही ईयर की क्वांटिटीज मिलेंगी. बेस ईयर की क्वांटिटी भी मिलेगी और करंट ईयर की क्वांटिटी भी मिलेगी, या फिर हो सकता एटलीस्ट तीन तो मिलेंगे ही मिलेंगे. पी जीरो पी वन मिलेगा और क्यू जीरो मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अगर उन्हें ये फॉर्मूला लगवाना है तो. लेकिन अभी जो हम आगे डिस्कस कर रहे हैं उसमें देखिएगा, इसमें हमें क्यू वन की भी ज़रूरत पड़ती है. एक्चुअली वेटेड एग्रीगेटिव मेथड के अंडर में कुछ और मेथड्स भी आते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें पहला है लेस प्राइस प्राइस इंडेक्स नंबर. इसको इस तरीके से लिखते हैं, लेस प्राइस प्राइस इंडेक्स नंबर. लेस प्राइस ने जो वेटेड कैटेगरी का फॉर्मूला दिया ना, उन्होंने दोनों ईयर्स के प्राइजेस को बेस ईयर की क्वांटिटी से ही मल्टीप्लाई कराया, यानी जो बेसिक फॉर्मूला था उन्होंने वही रखा, ठीक है. दूसरा फॉर्मूला लिखिए, पास्चेज प्राइस इंडेक्स नंबर. इन्होंने क्या करा, दोनों ईयर्स के प्राइजेस को जो इन्होंने वेट लिया ना, वो इन्होंने करंट ईयर की क्वांटिटी ली. देखो हर एक की अपनी अपनी थ्योरी थी. उन्होंने कहा कि जो बेस ईयर की क्वांटिटी है वही करंट ईयर की मानते हुए सॉल्व करो, लेकिन पाशेज ने उसको कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए कहा कि नहीं, जब हम करंट ईयर का कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्वांटिटीज भी करंट ईयर की लो. सबकी अपनी अपनी थ्योरीज थी. तो यहाँ पे आपका क्यू वन लेना है आपने, यहाँ पे आपको ठीक है. फिर आए फिशर्स, उन्होंने क्या क्या कहा, दोनों अपनी जगह सही हो, दोनों को यूज कर लिया, दोनों के फॉर्मुलेज यूज कर लिए. एंड फिशर्स इज मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर्स. इनके इंडेक्स नंबर को आइडियल भी माना गया, क्यों माना गया इसका रीजन भी अभी हम डिस्कस करेंगे. फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर, जब इतनी सारी चीज़ें आ जाती है ना तो किसी एक को बेस्ट कहा जाता है, तो फिशर्स को कहा गया, फिशर्स के फॉर्मूले को. इन्होंने क्या करा, अंडर रूट ऑफ एल इंटू पी, एल इंटू पी मतलब लेस प्राइस का इंडेक्स नंबर इंटू पास्चेज का इंडेक्स नंबर, दोनों के इंडेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकाल गया. यानी अगर मैं इसे एक्सप्लेन करके लिखूँ, एलैबोरेट करके लिखूँ, सो इट वुड बी समीशन, पहले लेस प्राइस का फॉर्मूला पी वन क्यू जीरो अपॉन समीशन पी जीरो क्यू जीरो, फिर पास्चेज का, उन्होंने Q1 से मल्टीप्लाई कराया था तो Q1 से कर देंगे. ठीक है, और रूट के बाहर 100 आ जाएगा. दिस इज वेरी सिंपल टू रिमेम्बर. हमारे जो प्राइजेस है ना उसमें करंट ईयर के प्राइजेस हमेशा ही ऊपर आते हैं, कोई ऐसा फॉर्मूला आप नहीं देखेंगे जहाँ P0 ऊपर हो. तो ये कंफ्यूजन तो कभी भी मत करना कि P0 ऊपर था या P0 नीचे था या P1 ऊपर था, वट एवर, P1 अपॉन P0, P1 अपॉन P0, ठीक है. उसके बाद सिर्फ पहले लेस प्राइस ने क्या करा, Q0 बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कराया था, Q0 Q0, और पास्चेज ने Q1 करंट ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा था. हो गया लर्न, P1 P0, P1 P0, Q0 Q0, Q1 Q1, दैट्स इट इन 200. ये पास्चेज का हो गया. अगर आपने फिशर्स का फॉर्मूला लर्न कर लिया तो लेस प्राइस पास्चेज अपने आप लर्न हो गए, या लेस प्राइस पास्चेज लर्न हो गए, फिशर्स अपने आप हो गया, जैसे तुम लोग को ठीक लगे, है ना, ऐसे आप लर्न कर सकते हो.
इसके अलावा जो थोड़े और एक्स्ट्रा उसमें मेथड्स हैं वो भी लिख लीजिए, फर्स्ट पूछ लेते हैं। ये तीन तो है ही इम्पॉर्टेंट, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। इसके अलावा भी कुछ और लोगों ने इसमें अपनी अपनी और एक्सपर्ट एडवाइस दे दी, डॉबिश एंड बाउलिंग। इन्होंने क्या करा, प्राइस इंडेक्स नंबर निकाला, इन्होंने दोनों जो लेस्प्रेज और पाशेस थे उनके फॉर्मुलेस का, उनके इंडेक्स नंबर्स का मीन निकाल दिया। एक मीन ही तो निकल रहा है, L प्लस P डिवाइडेड बाई 2, दोनों नंबर्स को ऐड करा और 2 से डिवाइड कर दिया, समीशन x अपॉन n का। तो इसको एक तरह से ये भी कहा जाता है कि अर्थमेटिक मीन है किसका, लेस्प्रेज एंड पाशेस का, ये भी पूछ लिया जाता है। अच्छा वो क्या हुआ, फिशर्स अंडर रूट एल इंटू पी, ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन का ही तो एक तरह से हमने फॉर्मूला लगाया, ध्यान आ गया। तो इसलिए भी पूछा जाता है ना। और यहाँ पे उन्होंने क्या करा, उन दोनों का एवरेज निकाल दिया, यानी लेस्प्रेज का इंडेक्स नंबर निकालो, पाशेस का इंडेक्स नंबर निकालो, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो इंटू 100। इंटू 100 की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी 100 से मल्टीप्लाई करके आएगा लेस्प्रेज एंड पाशेस। अलग से लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, समीशन पी वन क्यू जीरो अपॉन समीशन पी जीरो क्यू जीरो प्लस समीशन पी वन क्यू वन अपॉन समीशन पी जीरो क्यू वन होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन, इसका क्या बोलेंगे इसको, एलैबोरेट करके ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, और एक मार्शल एजवर्थ का भी है, मैं क्या करूँ इतने सारे फॉर्मुलेस दे दिए, आई डोंट नो व्हाई। मार्शल एजवर्थ, लेकिन शुगर है कि सब है, मतलब ऐसे नहीं है कि बहुत अलग अलग है। लेस्प्रेज पाशेस पे ही बना बना के दे दिए, मेन लेस्प्रेज पाशेस याद करा, उसके बाद देखो फिशर्स ने उनका जीएम निकाल दिया, डॉबिश ने उनका मीन निकाल दिया, इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये करा, सॉरी गलत लिख दिया, मैं उसी का लिखने लगी, एक सेकंड। इन्होंने क्या करा, जो लेस्प्रेज पाशेस के ऊपर वाले टर्म्स को अलग ऐड करा, बेस वाले टर्म्स को अलग ऐड करा और उसका हाफ कर। ठीक है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, डॉबिश ने उनका मीन निकाला बट इन्होंने मीन नहीं निकाला है, अलग अलग ऐड करके फिर 2 से डिवाइड करा इनटू 100। 2 से डिवाइड नहीं, 2 से सॉरी 2 से डिवाइड नहीं करा, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई मैं भी, सिर्फ ही 1/2 कट कर दीजिए, सिर्फ ऐड करा। हाँ पी जीरो क्यों क्यों होना चाहिए, उधर तो क्यू वन ही आता है। अरे भाई ये लेस्प्रेज का फॉर्मूला, ये पाशेस का फॉर्मूला, पहले अलग अलग लिख लो, ऊपर वाली टर्म अलग ऐड कर दी, नीचे वाली अलग कर दी, क्या कह रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। दिस इज, ये पी जीरो ही है, वन लग रहा है, क्यू वन, ये पाशेस का क्या फॉर्मूला होता है, नीचे जीरो होता है दोनों, देखना जरा, मैंने जीरो लिखवा दिया क्या, जीरो लिखवाया मैंने जबरदस्ती। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेज है, इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपका फिशर्स का आता है। बट अब एक चीज जो मैंने स्टार्टिंग बोल दी कि ये सारे किसके हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर के हैं, है ना, इसलिए तब नहीं बताया क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, क्योंकि अगर आपको प्राइस इंडेक्स नंबर के फॉर्मूले लर्न हो गए तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के अलग से लर्न नहीं करने। इन्हीं में जैसे उसने कहा सपोज मार्शल एजवर्थ का या फिशर्स का क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकालो, प्राइस नहीं बोला, तो आप जो फॉर्मूला है ना
सिर्फ उसमें p की जगह q लिख देना, q की जगह p लिख देना. यू जस्ट रिवर्स द फैक्टर्स, समझ रहे हो? उनकी सिर्फ प्लेसिंग चेंज करनी है एंड यू विल गेट द क्वांटिटी इंडेक्स नंबर ऑफ सो एंड सो, जिसका भी वो कह रहे हैं. यानी कि मैं ये बोल रही हूँ आपसे, मान लीजिए उसने कहा फिशर्स का क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकालो, फिशर्स का क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जल्दी में हम अपना वही फॉर्मूला लगा देते हैं, हम नहीं पढ़ते कि उसने प्राइस इंडेक्स बोला या क्वांटिटी. प्राइस इंडेक्स एक बार को मेंशन नहीं करेंगे, कहेंगे फिशर्स इंडेक्स नंबर निकालो, तो वो मतलब ये है कि प्राइस वाला पूछ रहा है. लेकिन क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के लिए मेंशन करेंगे. तो उसमें आपने सिंपल क्या करना है, जो आपका फॉर्मूला है समीशन पी वन क्यू जीरो, तो क्या हो जाएगा, समीशन क्यू वन पी जीरो अपॉन समीशन पी जीरो क्यू जीरो है, तो हो जाएगा क्यू जीरो पी जीरो. सिर्फ मैं प्लेस चेंज कर रही हूँ और कुछ भी नहीं. आप अगर फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे, यहाँ क्या आएगा, Q1 P1 अपॉन Q0 P1 इंटू 100. समझ रहे हैं? ऐसी लेस प्रेस, पाशेस, डॉबिश, मार्शल, जिसका भी वो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का है, उसका मेन वाला फॉर्मूला साइड में रफ में लिखना और सिर्फ जगह चेंज करके क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बना देना. गलती ये नहीं होगी कि तुम ये करोगे, गलती क्या होगी कि आप ये ध्यान ही नहीं दोगे कि उसने फिशर्स का क्वांटिटी नंबर पूछ लिया. आपने फिशर्स देखा, क्योंकि उस समय में बहुत हम नर्वस भी होते हैं, जल्दी भी होती है, फिशर्स देखा, अच्छा इंडेक्स नंबर फिशर, लगा दिया फटाफट फॉर्मूला, समझ रहे हो, और आंसर भी मैच हो जाएगा. बट आपको ध्यान से पढ़ना है. क्वेश्चन कर लीजिए एक इसका जल्दी से. कह रहे हैं कंप्यूट लेस प्रेस, पाशेस एंड फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर कंप्यूट लेस प्रेस, पाशेस एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर्स फॉर 2005 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, फॉर 2005 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. फर्स्ट कॉलम बनाएंगे जिसमें आपको कुछ कमोडिटीज दे रखी हैं, ए बी एंड सी, तीन दे रखी हैं. आपको ईयर 2000 के लिए प्राइसेस और क्वांटिटी गिवन है, लिखी सॉरी 15, 20 एंड 4, 15, 5 एंड 10. ऐसे ही ईयर 2005 के लिए आपको प्राइस और क्वांटिटीज दे रखी है, पी वन क्यू वन 27 एंड 7, 12, 4 एंड 5. लेस प्रेस एंड पाशेस पूछ रहा है. लेस प्रेस प्राइस इंडेक्स नंबर के लिए हमें चाहिए पी वन क्यू जीरो अपॉन समीशन पी जीरो क्यू जीरो. यानी आप जो आप कैलकुलेट करेंगे आगे, वो एक तो आपको P1 और Q0 के मल्टीप्लिकेशन की का सम निकालना है, P0 Q0 के सम निकालना है मल्टीप्लिकेशन का. पाशेस का फॉर्मूला भी लिख लीजिए, इससे पता लग जाए कि और क्या कैलकुलेट करना है. P1 Q1 अपॉन समीशन P0 Q1, P1 Q1 P0. यानी आपको ये चार वैल्यूज कैलकुलेट करनी है इनके टोटल. P1 Q0 यानी ये दोनों कॉलम 22 इंटू 15, 27 इंटू 5, 10 इंटू 7, P1 Q0 आ रहा है आपका टोटल 535. P0 Q0 P1 Q1
P0 Q1 हमेशा पहले फॉर्मूला लिखना और फिर वैल्यूज कैलकुलेट करना तो इजी हो जाएगा आपके लिए। चारों कॉलम्स, चारों फॉर्मूले आपके पास आ चुके हैं, चारों सॉरी सम आपके पास आ चुके हैं। सो 535 अपॉन 365 इंटू 100 ये आ रहा है आपका 146.57। फोर ज़ीरो सेवन अपॉन 280 145.35। और फिशेज अब इजी हो जाएगा आपके लिए, अंडर रूट ऑफ एल इंटू पी दोनों को मल्टीप्लाई करके और रूट निकालना है। ठीक है, इसी में अगर मार्शल एजवर्ड डॉबिज जो पूछेगा वो अब कैलकुलेट होते चले जाएंगे। अगर डॉबिज पूछता तो एल प्लस पी बाय टू हो जाता एंड सो ऑन। कर लिया ये वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट हेडिंग डालिए टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। जब इतने सारे लोगों ने अपने फॉर्मुलेस दिए तो फिशेस को ही आइडियल क्यों माना गया? तो कुछ टेस्ट बनाए गए, चार टेस्ट बने और सारे जितने लोगों ने फॉर्मुलेस दिए थे, ये तो हमने कुछ लिखे हैं और भी बहुत है, कैलीस का और है और भी बहुत सारे हैं, तो उन लोगों को उन टेस्ट पे यू नो क्लियर करने के उनके ऊपर अप्लाई किए गए वो टेस्ट, और ये देखा गया कि उन चार में से तीन टेस्ट को सिर्फ फिशेस ने सेटिस्फाई किया, क्लियर किया, बाकी या तो एक कर पाए या दो कर पाए चार टेस्ट में से। तो ऑब्वियसली जिसने ज़्यादा क्वालिफाई किया उसी ही हम क्या मानते हैं फिर बेस्ट या आइडियल। तो वो चार जो टेस्ट है उनके बारे में भी आपसे पूछा जाता है। फर्स्ट इज योर यूनिट टेस्ट, यूनिट टेस्ट थोड़ा थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। देखिए दिस टेस्ट रिक्वायर्स दैट द फॉर्मूला शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स, द फॉर्मूला शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स इन विच और फॉर विच प्राइजेज एंड क्वांटिटीज आर कोटेड। दिस टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय ऑल इंडेक्स नंबर फॉर्मूला एक्सेप्ट द सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स फॉर्मूला। ये लाइन अंडरलाइन कर लेना कि इसे किसने क्लियर नहीं करा, किसने नहीं करा सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स फॉर्मूला। ये टेस्ट ये कहता है कि जो आपके प्राइजेस और क्वांटिटीज की यूनिट्स हैं अगर उनको वो ना ली जाए,
छोड़ दिया जाए, उनका कोई इफेक्ट ना आए। तो सबने लगभग इसको क्लियर करा, क्योंकि किसी में भी आप यूनिट्स नहीं लेते। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो सिंपल एग्रीगेटिव वाला था ना, समीशन पी वन अपॉन समीशन पी जीरो, इसमें आप यूनिट ले सकते हो। क्यों? क्योंकि सारी आपकी क्या है, प्राइजेज है, तो वहाँ पे आप उन्हें रुपीस में, करोड़ में, जो भी उसकी यूनिट है वो ले सकते हो। तो ये माना गया है कि सिर्फ एक ये क्वेश्चन, ये आपसे जो इस इन टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो ये पूछे जाते हैं कि किस फॉर्मूले ने इसको सेटिस्फाई किया और किसने नहीं किया, यही ज़्यादातर पूछा जाता है, सॉल्व करने के लिए नहीं आते। तो ये टेस्ट आपने ध्यान रखना है कि यूनिट टेस्ट को सिर्फ सिंपल एग्रीगेटिव मेथड इंडेक्स नंबर ने सेटिस्फाई किया। सेकेंड इज योर टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट, इसको सिंबॉलिकली ऐसे लिखा जाता है, पी जीरो वन इंटू पी वन जीरो इज इक्वल्स टू वन। अभी बताती हूँ, पहले इसके लिए लिख लो इसको। टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय, किस किसने क्लियर करा वो लिख लीजिए, वही पूछा जाता है। क्योंकि टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर फॉर्मूलाज, ये सब आपकी स्टडी में नहीं है और लेकिन पूछा हुआ है, इसलिए अलग से लिखवा रही हूँ। टाइम रिवर्सल टेस्ट को जिस जिसने क्लियर करा उसमें सबसे पहले हैं मार्शल एजवर्थ, मार्शल एजवर्थ फॉर्मूला, फिशर्स फॉर्मूला, एक ये लिख लो वॉल्श फॉर्मूला, मैं आपको बता रही थी ना, और भी है, ये एडिशनल में पूछ सकते हैं, वैसे आपके में दिया हुआ नहीं है। वॉल्श का एक फॉर्मूला है, उन्होंने भी इसे क्लियर करा है। कैलीज फॉर्मूला, कैलीज फॉर्मूला, इसके अलावा सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स, सिंपल एंड वेटेड, सिंपल एंड वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, सिंपल एंड वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइज रिलेटिव फॉर्मूला, सिंपल एंड वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइज रिलेटिव फॉर्मूला। ये नाम आपको थोड़े से याद रखने पड़ेंगे, बट इनमें से ना जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप देख रहे हैं लेस प्रेज एंड पाशेज ने इसे क्लियर नहीं करा। ये पूछा जाता है कि टाइम रिवर्सल टेस्ट लेस प्रेज पाशेज ने टाइम रिवर्सल टेस्ट क्लियर करा है या नहीं करा है। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो लेस प्रेज पाशेज और फिशर्स पर हैं, तो फिशर ने तो इसे क्लियर कर लिया लेकिन लेस प्रेज पाशेज नहीं कर पाए। फिशर ने कैसे किया ये इसके बारे में थोड़ा सा देख लो, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। देखो कैसे करा, ये क्या कहता है, हमने LHS लिया, P01 का मतलब है, जैसे हम फिशर्स करके दिखा रहे हैं कि कैसे इसको क्लियर करा। इसका जो मेन फॉर्मूला है P0 Q0 इंटू समीशन P1 Q1 अपॉन समीशन P0 Q1, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कराओ P10। व्हाट डज इट मीन, वी आर रिवर्सिंग द टाइम। जो फॉर्मूला है P01 उसमें उधर देखो क्या हुआ, 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0, ये कहते हैं कि टाइम रिवर्स कर दो, यानी बेस ईयर को करंट ईयर, करंट ईयर को बेस ईयर, और वो फॉर्मूला इससे मल्टीप्लाई कराओ, यानी ये फॉर्मूला अब क्या बन जाएगा, समीशन P0 Q1 अपॉन समीशन P1 Q1, और इधर क्या हो जाएगा, समीशन P0 Q0 अपॉन समीशन P1 Q0, यानी इस फॉर्मूले में जहाँ 0 था वहाँ 1 लिख दिया मैंने, और जहाँ 1 था वहाँ 0 लिख दिया, रिवर्स कर दिया, तो वो किसका फॉर्मूला बन गया, P10 का। P01 का फॉर्मूला तो हमें लर्न है, 0 का मतलब होता है बेस ईयर को रिप्रेजेंट करता है 0, और 1 करंट ईयर को रिप्रेजेंट करता है, तो मेन फॉर्मूला तो ये था। वो कह रहे हैं अगर इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके टाइम रिवर्सल फॉर्मूले से, जिसमें आपने बेस ईयर को करंट बना दिया और करंट को बेस, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, वैल्यूज पुट करेंगे, आप देखिए P1 Q0 से P1 Q0, P0 Q1 Q0 से P0 Q0, P1 Q1 P1 Q1,
यानी यहाँ पे क्या बचा? ठीक है, यही चीज अगर आप लेस फ्रेज या पास्ट टेंस के फॉर्मूले में लगाएं, लेस फ्रेज का फॉर्मूला लिखे जो मेन फॉर्मूला है, उसको मल्टीप्लाई कराए उसके टाइम रिवर्सल वाले से, यानी उसके फॉर्मूले में टाइम को रिवर्स करके, तो आप देखेंगे कि वो 1 के इक्वल नहीं आ रहा होगा, वैल्यूज कट नहीं होंगी। ऐसे ही पास्ट टेंस में भी वैल्यूज कट नहीं हो रही होंगी। लेकिन अगर वही आप मार्शल में लगाएं या इन्होंने कहा वॉल्च में, कैलीज में, तो आप देखेंगे कि वो भी सॉल्व होके 1 के इक्वल आ रहा है। तो यानी जिस जिसने इसको क्लियर कर लिया, इसका मतलब है जब आपने इन दोनों के टाइम रिवर्सल को मल्टीप्लाई करा तो 1 के इक्वल आ गया। तो जिसका आ गया उसने क्लियर कर लिया, जिसका नहीं आया वो नहीं कर पाया। ठीक है, थर्ड लिखिए, बस ये टेस्ट करा के मैं छोड़ रही हूँ, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। जैसे टाइम रिवर्सल टेस्ट में आपने टाइम को रिवर्स करके मल्टीप्लाई कराया था, ये फैक्टर रिवर्स करने के लिए कहते हैं कि P01 into Q01 प्राइस इंडेक्स नंबर के फॉर्मूले को अगर उसी के क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के फॉर्मूले से मल्टीप्लाई करें और वो दोनों वैल्यू इंडेक्स नंबर के बराबर आ जाए, मतलब कि वो इसके इक्वल आ जाए, P1Q1 अपॉन समीशन P0Q0। ये वैल्यू इंडेक्स नंबर अभी बताऊंगी, P1Q1 अपॉन P0Q0 इसके इक्वल आ जाए, तो यानी उन फॉर्मूलेज ने इनको सेटिस्फाई कर दिया, क्लियर कर दिया। इसमें लिख लीजिए फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को, सिर्फ और सिर्फ फिशर्स ने ही इसको क्लियर करा था, लिखो देखिए, दिस टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय वन एंड ओनली फिशर्स फॉर्मूला। यहीं पर आके फिशर्स सबसे जीत गया। दिस फॉर्मूला इज सेटिस्फाइड बाय वन एंड ओनली फिशर्स फॉर्मूला, बाकी किसी ने भी इसको क्लियर नहीं किया। देखो फिशर्स ने कैसे किया, P01 का फॉर्मूला कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो, प्लीज बता दो मुझे, बोलो, थोड़ा सा जाके सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी तो और क्लियर हो जाएगा। Q01 मतलब क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में मैंने भी आपको बताया था कि वी रिवर्स द फैक्टर्स, दैट्स व्हाई द नेम इज फैक्टर रिवर्सल, कि जो मेन फॉर्मूला है उसमें P की जगह Q लिख दो और Q की जगह P लिख दो। इस फॉर्मूले को क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का बनाने के लिए P1 की जगह हो जाएगा Q1 और Q0 की जगह हो जाएगा P0 अपॉन Q0 P0। इधर क्या हो जाएगा, Q1 P1 Q0 P1। ठीक है ना, अब आप देखो P1 Q0 P1 Q0 ये दोनों तो सेम है, P0 Q1 P0 Q1, बाकी अब ऊपर क्या बचा, अंडर रूट में दिस इंटू दिस, यानी कि समीशन P1 Q1 अपॉन समीशन P0 Q0 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या आ गया, समीशन P1 Q1 अपॉन समीशन P0 Q0, यही चाहिए था। ठीक है, लास्ट इज योर सर्कुलर टेस्ट, जिसे फिशर्स भी नहीं कर पाया, लिख लीजिए जल्दी से सर्कुलर टेस्ट। लेकिन आपने देखा कि उसने 4 में से 3 को क्लियर कर दिया। सर्कुलर टेस्ट को देखिए, इट इज अ सॉर्ट ऑफ, ये लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें जो पूछी जाती है, इट इज अ सॉर्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द, इट इज अ सॉर्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट, इट इज कंसर्न्ड विद द मेजरमेंट ऑफ प्राइस चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स। इट इज कंसर्न्ड विद द मेजरमेंट ऑफ प्राइस
changes over a period of years when changes over a period of years, comma, when it is desirable, when it is desirable to shift the base, when it is desirable to shift the base. इसको ऐसे लिखते हैं, shift the base, base BASE, B for boy. time reversal test का extension लग रहा है, वहाँ पे दो लेते थे, 01 into 10, यहाँ पे ना एक और आ गया, तीन years involved हो गए, 0, 1 और 2, और देखो ये circle की तरह बन रहे हैं, इसलिए से circular test किया है, 1 का 0 के base पर, 2 का 1 के base पर, और फिर 2 का दोबारा से, तो ये circle close हो गया, that's why the name is circular test. और यहाँ तीन बेस इन्वॉल्व, तो इसे ना तो फिशेस कर पाए, ना लाइस्प्रेस कर पाए, ना पाशेस कर पाए, ना डॉबिश, ना बॉलिस. क्यों? क्योंकि जितने आपने फॉर्मुलेस पढ़े उसमें सिर्फ 0 और 1 की बात है, 2 की है ही नहीं, वहाँ पे तीसरा कोई ईयर नहीं लिया जाता, इसलिए इसे नहीं कर पाए. बट जिन्होंने करा वो स्पेशल केसेस हैं, वो लिख लीजिए, वो पूछ सकते हैं कि इन्हें किसने करा. इनको सिर्फ दो ऐसे फॉर्मूलाज हैं जिन्होंने कर लिया. द सिंपल, ऐसे लिखो, दिस टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय एक तो है द सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, द सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स एंड द वेटेड एग्रीगेटिव with fixed weights, weighted aggregative with fixed weights. ठीक है, बस ये दो नाम याद रखने हैं आपको, ये दोनों फॉर्मुलेज आपके कोर्स में सॉल्व करने के लिए नहीं है, सिर्फ नाम याद रखना. ठीक है, तो आपने देखा कि फिशेस ने यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फैक्टर रिवर्सल को क्लियर करा. चार में से तीन को कर लिया, बाकी सब ने या तो एक को करा या दो को करा. ठीक है, इसीलिए से आर्डर इंडेक्स नंबर गया था. बाकी कल ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा.